अब देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है अनुराग ढांडा ने, सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जो आपका गठबंधन हुआ है कांग्रेस को, उसको लेकर सवाल रहेगा, किस प्रकार से ये सिनेरियो बना, किस प्रकार से गठबंधन हुआ, एक सीट आपके खाते में आई है, लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम है, उसके बाद ये जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, क्योंकि पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, और इस वक्त देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना है, अगर आजादी बचानी है तो मिलकर लड़ना होगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना होगा। हम बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये साजिश कर रही थी, ये इंडिया गठबंधन ना हो पाए, ईडी की धमकी, सीबीआई की धमकी, लोभ लालच सब कुछ किया इन्होंने। कुछ नेता उसके सामने घुटने भी टेक गए, ये सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को भी डरा लेंगे, इंडिया गठबंधन नहीं करने देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी किस मिट्टी के बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए देश सर्वोपरि है, उसके लिए जान भी दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जेल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि इंडिया गठबंधन तो करेंगे, और मजबूत इंडिया गठबंधन का ऐलान आज हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन सभी राज्यों के अंदर गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, उनको बहुत बुरी हार का इन प्रदेशों में सामना करना पड़ेगा। आजकल हर कोई गारंटी की बात कर रहा है, हमारी ये गारंटी है, हमारी सत्ता आती है तो हम ये करेंगे, आपकी तरफ से भी कुछ वादे किए जाने होंगे। हरियाणा प्रदेश को लेकर मैं खासकर पूछना चाहूंगा, लोकसभा की शुरुआत आप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ गारंटी रहने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को आप कैसे देख? नहीं, गारंटी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की है, और कई मिठाई की दुकानों पे देखा है जिसपे लिखा होता है कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो ये गारंटी की भी कोई और ब्रांच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जानी जाती है नाम बदलने के लिए, कभी शहरों के नाम बदल दिए, कभी सड़कों के नाम बदल दिए, अब इनको लगा कि यार ये केजरीवाल की गारंटी बहुत चल रही है, लोगों के दिमाग में बैठ रही है, तो इन्होंने सोचा कि ये अपने जुमलों का नाम बदल के गारंटी रख दें, लेकिन नाम बदलने से जुमले गारंटी नहीं हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमले फेंकने वाली पार्टी है, चुनाव से पहले जुमले देते हैं, जैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके 9.5 साल सरकार चला ली, तब इनको तीर्थ यात्रा याद नहीं आई, 9.5 साल सरकार चला ली, कितने ही जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तब इनको उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना याद नहीं आया, लेकिन अपने अंतिम और आंशिक बजट में अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा करते हैं, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा करते हैं, लेकिन नकल के लिए अकल कहां से लाओगे? जब तीर्थ यात्रा योजना के बारे में बताया कि 1 लाख रुपए से कम इनकम वाले 84-85 लाख लोगों को कह रहे हैं हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, तो इसका मतलब आपने ये तो मान लिया कि हरियाणा में 84-85 लाख लोग ऐसे हैं जिनको खाने का भी संकट है, 1 लाख रुपए से कम कमा पाते हैं पूरे साल में। इसका मतलब आपने ये तो मान लिया कि हरियाणा के अंदर गरीबी बढ़ी है। इसका मतलब जब पिछले 2-3 महीने में अनाउंस करने के बाद एक भी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पे, एक भी बुजुर्ग को नहीं भेज पाए, इसका मतलब ये सिर्फ जुमले हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा हुई, वो इसीलिए तो हुई ना क्योंकि बीजेपी की सारी घोषणाओं के चलते 9.5 साल बाद भी सरकार लोगों का समर्थन हासिल नहीं कर पा रही। जब भी आप हरियाणा में एक्टिव होते हैं या फिर पार्टी की गतिविधियां बढ़ाते हैं तो कई तरह के आरोप जो है वो लगते हैं, पंजाब को और हरियाणा को कैसे देखा जाता है, चाहे उनके तमाम मुद्दों की बात करें, आप हरियाणा में सीट शेयरिंग का फार्मूला सक्सेस हो गया, पंजाब में किस प्रकार से लड़ेंगे, क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ती है, तो इस पर कहीं ना कहीं आपको सवालों के घेरे में नहीं लिया जाएगा? नहीं, कोई सवालों के घेरे में नहीं है, बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद रणनीतिक तौर पर डिसीजन लिए गए, जहां अलग लड़ने में फायदा है वहां अलग लड़ा जा रहा है, जहां एक साथ मिलकर लड़ने में फायदा है वहां एक साथ मिलकर लड़ा जा रहा है, सीट शेयरिंग में फायदा है वहां सीट शेयरिंग की गई है। मकसद एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिस तरह की जो रणनीति जहां बनानी थी वो बनाई गई है, फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है और इसी के आधार पे अब चुनाव लड़ा जाएगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं कुछ नहीं है, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को 0 मिलना है, और हरियाणा में मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो भी भारतीय जनता पार्टी को 0 मिलना है। प्रचार किस प्रकार से रहने वाला है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मंच से प्रचार करेगी या कांग्रेस की इस पर भी कोई रणनीति बनी है? आने वाले दिनों में प्रचार को लेकर भी रणनीति बनाएंगे और आप लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से उसको साझा करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालजमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।